बोलो चैतन्य महाप्रभु का हरे कृष्ण। अभी हम लोग गुरु वैष्णव का अनुगर्तव्य जहाँ पर खड़े हैं ये श्री प्रयाग गोपास में, जहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु श्री रूप गोस्वामी को निमित्त करके वो दुनिया को शिक्षा दिया था, जिसको चैतन्य चैतन्यमृत में रूप को शिक्षा कहते हैं। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप गोस्वामी की जो रस है ये एक समुद्र जैसे, लेकिन मैं तुमको एक बूंद चखाने के लिए मैं कोशिश करता हूँ। तो महाप्रभु ने रूप शिक्षा बोले, कैसे ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जी गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्तिलता भी। मतलब है भगवान को हम अनादिकाल से भूल करके 14 ब्रह्मांड और 84 लक्ष योनि में हम भटक रहे हैं। इसलिए किसी सौभाग्यवान व्यक्ति को जीवन में सद्गुरु का दर्शन सद्गुरु का प्राप्ति होता है। बोले किसको? बोले जिनकी पूर्व पूर्व जन्म में जिन्होंने भक्ति उन्मुख सुकृति को प्राप्त किया है उन्हीं को ही जीवन में गुरु और कृष्ण प्रसाद में ये भक्ति लता रूपी बीज प्राप्त होता है। इसलिए कहते जो भक्ति लता बीज क्या है, बोले श्रद्धा ही ये भक्ति लता बीज है। इसलिए बोले किसको प्राप्त होता है, कहते हैं सौभाग्यवान व्यक्ति को प्राप्त हो। सौभाग्यवान कौन है? शास्त्र में बताए भवा अपवर्ग भ्रमित जटाजन्य तहिर अच्युत सत्समागम सत्समागम जहीर तदेव बराबर से जाए तो। इसका मतलब है जब इस संसार भ्रमण करते करते जीव का संपूर्ण रूप में संसार बंधन समाप्त होने को आता है, तब जीव को भगवत इच्छा से ही जीव को ये सद्गुरु का प्राप्त होता है। इसलिए किस कैसे प्राप्त होता है, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता। तात्पर्य क्या है, बोले गुरुदेव तो हमें भक्ति लता भी बीज प्रदान करते हैं, लेकिन यहाँ पर कृष्ण का नाम क्यों आया है? बोले कारण है कोई सद्गुरु ना असद्गुरु ये हमें पहचान कैसे होगा, बोले ये कृष्ण ही ये जीव जानते हैं। तब कृष्ण इच्छा से ही जीव को ये सद्गुरु की प्राप्त होता है। इसलिए महाप्रभु ने जहाँ पर ये भक्ति भक्ति तत्वों को बड़े सुंदर रूप में योजना की है ये स्थान वही है। और कैसे ये भक्तिलता बीज, महाप्रभु कहते श्रवण कीर्तन जले करे सक्षम, गुरुदेवता हमें भक्तिलता बीज प्रदान की, लेकिन उसको बाद में फिर साधु संघ की जरूरत है। साधु संघ रूपी हरि कथा श्रवण करने से क्या होता है, पहले एक अंकुर, फिर उसमें दो पत्ते, फिर उसमें टहनियाँ, और धीरे धीरे वो लता बढ़ते बढ़ते पहले ब्रह्मांड को भेद करता है, फिर ये वैकुंठ भेद करता है, ये अयोध्या द्वारका भेद करते करते ये गोलोक वृंदावन में पहुँचता है। इसका तात्पर्य क्या है, ये ब्रह्मांड भेद करता मतलब क्या, कहते जो भक्ति लता रूपी जो बीज मतलब जो कृष्णा सेवा भावना है, कहती ये ब्रह्मांड अंतर्गत में कहीं है नहीं, और कृष्ण भावना की जो सेवा है द्वारका में भी नहीं, ये मथुरा में तो है द्वारका में है, लेकिन ऐश्वर्यमय भक्ति, लेकिन वो ब्रज जो भक्ति है जो ब्रज भक्ति है वो केवल गोलोक वृंदावन में ही वो भक्ति भक्ति प्राप्त है। इसलिए लता जा करके राधा कृष्ण चरण को आश्रय ग्रहण करता है, और यहीं पर माली रूप में साधव क्या करता है, श्रवण कीर्तन जले करे सचल। यहाँ पर गुरुदेव एक उदाहरण देते हैं, जैसे अगर उसमें खारी पानी दे दिया फिर तो लता मर जाएगा है, लेकिन अगर उसमें मीठा पानी अगर दिए तो फिर क्या होगा, फिर तो वो लता बढ़ेगा। बोले खारी पानी क्या है, गुरुदेव उदाहरण देते हैं जैसे ज्ञान कर्म योग, अगर ऐसे भक्तों का अगर संग मिलेगा तो फिर क्या होगा, फिर वो गोलोक वृंदावन नहीं पहुंच सकता है। अगर ऐसे भक्तों का संग मिले जो कृष्ण रस भाविता मति क्रियताम कुतप यदि लभ्यते, अगर जीव को अगर ऐसे कृष्ण भक्त और ब्रजेंद्र नंदन जो कृष्ण भक्ति जिसको श्री विश्वनाथ चकुर ठाकुर कहते हैं आराध्य भगवान ब्रजेश स्तनय तद्धाम वृंदावनम रम्या कातीत उपासना ब्रज वधुवर्गेन च कल्पिता श्री चैतन्य महाप्रभु मतम इदम तत्रादर नाभ। अगर ऐसे भक्त का संग हो जो ब्रज रस रसिक और महाप्रभु जो ब्रह्मा का एक दिन में एक बार उन्हें जो अनर्पित चरिचिराग प्रेम को देने के लिए आए थे, अगर ऐसे भक्तों का अगर संग किसको हो ब्रज रस रसिक और श्री चैतन्य महाप्रभु भक्त का अगर ऐसे कोई संग हो ऐसे कोई कथा हो, तो फिर लता भी ठीक वैसे ही
महाप्रभु भक्ति युक्त भावना रूपीलता प्रकट होगा। पर साधारण लता तो गोलोक वृंदावन जाएगा, लेकिन अगर महाप्रभु भक्त की अनुगत्य में अगर ऐसे भक्त का संग हो तो लता कहाँ तक जाएगी, हो जाएगी श्वेत द्वीप, महाप्रभु का धाम तक जाएगी। इसलिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, महाप्रभु का अनुगत्य में अगर कोई भगवान की भक्ति करे, जिसको कृष्णदास के विराज गोस्वामी कहते हैं, जहाँ भागवत बड़ा वैष्णव स्थानी एकांत आश्रय कर चैतन्य चरणे चैतन्य भक्त तुम नित्य कर संग तबे तो बुझ में तुम्हें सिद्धांत करेंगे। श्री कृष्णदास के विराज गोस्वामी कहते हैं, अगर हमें महाप्रभु का भक्ति रस युक्त अगर ऐसे कोई भक्त मिले, अगर उनके अनुगत्य में अगर हम भगवत भक्ति करेंगे, तो एक साथ में हमें गोलोक वृंदावन में भी राधा रानी की सखी रूप में सेवा प्राप्ति होगी, और महाप्रभु और रूप गोस्वामी के अनुगत्य में इधर रूप मंजरी के अनुगत्य और इधर रूप गोस्वामी के अनुगत्य में क्या होगा, हमें श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रेम भक्त प्राप्त होगा। अगर महाप्रभु का भक्त का अनुगत्य में अगर कोई साधन वर्जन करे, इसलिए हम लोग अभी यहाँ पर आए हैं, यही श्री महाप्रभु रूप गोस्वामी को बैठा कर रूप शिक्षा प्रदान की थी। ये स्थान अद्भुत दिव्य स्थान है, हम गुरु वैष्णव कृपा के अनुगत्य हम यहीं पर आए, इसलिए हमारे ऊपर में श्री महाप्रभु का कृपा हो, श्री रूप गोस्वामी का हमारे ऊपर में कृपा हो, जैसे हम लोग रूपानुग हो करके राधा कृष्ण जुगल की सेवा को जैसे हम प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए श्री रूप गोस्वामी और हमारे जो रूपानुग गुरुवर्ग गुरुपात पद्म की हम सभी को परम कृपा हो। वंशाकृत्य कृपा सिंधु भाई बच पतिता पावने भो वैष्णव भो नमो नमः।